हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज, आज लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक। पीएसएक्स 100 इंडेक्स अब तक, क्योंकि आज क्लोजिंग होनी है 4:30 बजे और इस वक्त मार्केट जारी है, लगभग 505 पॉइंट्स का मार्केट में गेन हो चुका है और 43,447 पे इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो कंसर्न है वो मार्केट के इस वक्त वॉल्यूम है और मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम 145 मिलियन शेयर्स, प्रिसाइसली अगर हम बात करें तो 14,50,84,786 शेयर्स जो है अब तक ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू भी इंतहाई कम, लगभग 5,83 करोड़ रुपए वालियत के ये शेयर्स हैं। तो एक कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ मार्केट में आज ये 500 पॉइंट्स गेन किए हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है और मार्केट के इश्यूज इस वक्त क्या, इस हवाले से हम बात करेंगे सीनियर स्टॉक ब्रोकर और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर अमीन यूसुफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन यूसुफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। इस वक्त जो कंसर्न है वो मार्केट के ट्रेडिंग वॉल्यूम है, कंसर्न जो है वो मार्केट में एक्टिविटीज है, रिटेल इन्वेस्टर आपका है नहीं और सरमायाकारी इस वक्त हम वॉल्यूम अगर बात करें पिछले यकुम जनवरी से और आज तक तो 10 करोड़ शेयर्स जो है वो एवरेज ट्रेड ली। तो अमीन साहब, क्या इसीलिए आपने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज को मर्ज करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाया था कि वॉल्यूम्स यहां तक गिर जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आज मार्केट में वापस आके आपने ये इशू शुरू किया है और आपके एनालिसिस बहुत अच्छे होते थे, तो अब भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छे एनालिसिस आप देंगे। अब आ जाते हैं मार्केट खुद की तरफ। देखिए, मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं होने की वजूहत बहुत सारी है, पॉलिटिकल फ्रंट से, अभी इलेक्शन ईयर भी है, लोग जो मार्केट नीचे आई थी 38,000 पे, ऊपर से नीचे लेवल पे आई थी तो लोगों को काफ़ी नुकसान हुए, प्लस मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। हम कहते हैं प्रोडक्ट्स आ जाएंगे 2008 से हम ऑप्शन पे कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शन आ जाए, ETF आ जाए। तो अब ये आप ये मैनेजमेंट को बुला के भी पूछें ना, जो पिछले मैनेजमेंट ने क्या काम किया, और प्लस ये कि जो डेटा चोरी का भी इल्ज़ाम था कि भाई डेटा लीक भी हो रहा था। देखिए, सारी चीजों में बहुत सारी चीजें, पॉलिटिकल, सबसे पहले पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या मियां साहब के इस हवाले से जो शरीफ फैमिली के केसेस चल रहे हैं उससे एक सरमायाकार जो है, स्टॉक मार्केट जो है वो कितनी मुतासिर हो रही है, ये सबसे पहले जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल मुतासिर होती है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल फ्रंट से ऑब्वियसली लोगों को खदशात होते हैं कि क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट चले जाएगी, ऑब्वियसली इसके इफेक्ट्स आते हैं। एक कंटिन्यूटी जो होती है पॉलिसीज की, फिर वो रुक जाती है, और प्लस डीवैल्यूएशन का जैसे मार्केट में था कि डीवैल्यूएशन होगी, अब तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, अगर आप पूरा एनालिसिस करें 38,000 से जो मार्केट 45,000 पे आई है, तो उसमें क्या था, उसमें फॉरेनर्स ने बाइंग की है, फॉरेन इन्फ्लोज आए हैं, प्लस हमने, आपने जो बात की कि हमने क्यों एक्सचेंज में बेच दी और ये डी इंटीग्रेशन कर दी, भाई हमने चाइनीज को बेची है, 40% स्टेक बेचा है, तो कुछ हमें पैसे मिले हैं ना, और वो पैसा मार्केट में वापस इन्वेस्ट हुआ है, तो कोई बुरी चीज तो है नहीं। ऑब्वियसली अगर चाइनीज आए हैं तो वो अपनी टीम बनाएंगे। नहीं, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब बात की जा रही थी कि वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, मार्केट ब्रॉड बेस होगी, आज आपका रिटेल इन्वेस्टर आपकी मार्केट में मौजूद नहीं है। CDC के हवाले से बात करें तो CDC में 2,81,000 खाली अकाउंट्स हैं, जिसमें सब अकाउंट्स जो हैं, जो 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 इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ 52,000 के करीब इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं और 2,81,000 सब अकाउंट्स हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर किधर गया आपका? आप तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आप बात करें कॉर्पोरेट के ऊपर, आप बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर, कहां पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में जो आना चाह रहे थे, किधर गए वो? देखिए, जो अगर आप पीछे चले जाएं कुछ, तो 2008 में जो क्राइसिस आया था उसकी वजह से कुछ डिफॉल्ट्स हुए थे, लोगों को काफी नुकसान हुए थे। देखिए, इन्वेस्टर को एक परसेप्शन खराब है कि भाई ब्रोकर्स पैसे खा के भाग जाते हैं, तो ये परसेप्शन को भी हमने सही करना है। जो क्या ये गलत था परसेप्शन? नहीं, बिल्कुल सही था। कुछ लोगों ने, देखिए सारे बंदे तो अगर नहीं खराब है ना, अगर 4-5 लोगों ने अगर डिफॉल्ट्स किया, इसका मतलब आप ये कहेंगे कि सारी कम्युनिटी खराब है, वो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली कुछ लोगों ने जो ये किए हैं, इसकी वजह से, देखिए SECB ने रिफॉर्म्स लेके आए हैं, तो ये रिफॉर्म्स की वजह से काफ़ी चीज़ें सही हो गई हैं। अब देखिए, अब तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई। एक ज़माने में शेयर्स
जो होते थे क्लाइंट्स के वो प्लेज कर सकते थे, वो नहीं हो सकता। अब सेग्रीगेशन होती है, क्लाइंट का एसेट आपको अलग रखना पड़ता है, कैश अलग रखना पड़ता है। तो ये आप ये देखें, एसईसीबी को भी क्रेडिट दे और ब्रोकर्स को भी दे और मैनेजमेंट को भी दे कि सारी चीजें। ब्रोकर्स तो कह रहे हैं भाई, ब्रोकर्स तो कह रहे हैं कि एसईसीबी रेगुलेट जो कर रहा है ये तो बड़ा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन की जा रही है। कुछ मेरे ख्याल से कितने 30-35 मेंबर्स के लाइसेंस जो उन्होंने 37 जो है वो उन्होंने खत्म कर दी, खत्म कर दिए थे। उसकी वजह देखिए ये थी कि वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, वो अलग चीज है, उससे आप मार्केट से इसको लिंक नहीं कर सकते। चले, अगर मैं मार्केट रहा, मेंबर्स थे आपके स्टॉक मार्केट, 40% आपने शेयर्स जो है वो बेचे इस चीनियों को जो दिया, उसके पर मेंबर 6-6 करोड़ रुपए उनको मिले, वो अगर मिला दे मल्टीप्लाइड बाय 30-35 2 अरब के करीब की रकम बन जाती है, ये तो आपकी मार्केट में पैसा आना था ना, ये मार्केट में पैसा नहीं आया, ये कहां गया फिर? देखिए ये मार्केट में पैसा क्यों नहीं आया, मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ब्रोकर के पास है, वो पैसा तो है, वो लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो ऐसे तो नहीं है आप कह सकते कि नहीं है, वो सिस्टम से बाहर तो नहीं गया। अभी भी अगर आप देखें 40 लाख शेयर्स हर ब्रोकर्स को मिले थे तो 16 लाख शेयर्स तो अभी भी ब्रोकर्स के पास अवेलेबल है, वो फ्रीज है, वो तो पड़े हुए हैं ना, वो भी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। हम बात हो रही है, देखिए इन्वेस्टर्स बढ़ाने की बात हो रही है, प्रोडक्ट्स बढ़ाने की बात हो रही है ना। हम अब आप पीछे चले जाए, जो मैनेजमेंट के इश्यूज लोग आ रहे थे कि डेटा लीक होता है, तो उसको भी तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ना, अगर कौन लीक कर रहा था और कौन यूज कर रहा था, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में? और बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहले ये डेटा तो देखें, ये तो ऐसी चीज, मैं तो बात करूंगा 2005 का क्राइसिस, 2008 का क्राइसिस, 2011 का क्राइसिस, इन तीनों में आपके जो शेयर्स थे, क्लाइंट के शेयर्स ब्रोकर्स के पास प्लेज थे और ब्रोकर्स ने जो है वो हेरा फेरी की थी। आज तक आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कराची स्टॉक एक्सचेंज जो उस वक्त था वो पार्टी बना किसी भी क्लाइंट के हवाले से? क्या कराची स्टॉक एक्सचेंज ने उन ब्रोकर्स के खिलाफ कोई एफआईआर कटवाई? आप खुद भी मेंबर के साथ साथ आप कमिटीज के मेंबर भी रहे? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं हुआ है। नैब में केसेस चल रहे हैं और डिफॉल्ट अगर मेंबर होता है तो ऐसा नहीं होता, वो जमाने चले गए और नैब में केसेस चले जाते हैं और पूरी अकाउंटेबिलिटी होती है। जो कुछ मेंबर्स इस्लामाबाद की भी जो जिन्होंने डिफॉल्ट किया था वो अरेस्ट भी हुए हैं। अब आप भूल जाए, वो जमाना चली गया, तब्दीली आ गई, काफी चीजें चेंजेस हो गई। आप मुझे बताइए, लद्दा सिक्योरिटीज जो थी, ए सिक्योरिटीज जो थी, ये तमाम वो सिक्योरिटीज थी जो कॉर्पोरेट लेवल पे और रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़ा इनका एक क्लाइंट लेवल था, ये सब भाग गए यहाँ से, ये फ्रॉड करके भागे, किसने पकड़ा इनको? अब नया इन्वेस्टर कब आएगा मार्केट में जब तक वो देखेगा नहीं? हर 2-4 साल बाद एक 2-4 अरब रुपए की कमेटी होती है जो किसी मेंबर की निकलती है, वो निकल जाता है। नहीं नहीं, ये अब नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें चेंजेस हो गई हैं। और ये अगर पुराना हुआ है तो अब जो मैनेजमेंट उस लेवल पे थी उनको पकड़े ना, जो मैनेजमेंट अगर बैठी हुई थी उनको पकड़ा जाए, उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, अब तो केसेस तो खुल जाते हैं, कोई मसला थोड़ी, अकाउंटेबिलिटी तो है, अब पूछा जाएगा भाई क्यों हो गया था ये सारी चीजें। देखिए एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, एक्सचेंज की रिस्पांसिबिलिटी होती है सारी चीजें करना और एसईसीबी भी इसको रेगुलेट कर रहा होता है। आप कई बार मेंबर भी रहे हैं, आप जी, मैं बिल्कुल आप, के अंदर भी रहे हैं, बिल्कुल मैं इस हवाले से, ब्रोकर बिल्कुल बाहर से तो नहीं रहते ना मेंबर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें देखिए हमने लोगों को पैसे भी दिए, ऐसे नहीं, एक्सचेंज ने जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से भी इन्वेस्टर्स को एकोमोडेट किया है। अच्छा, अब इस बात पे आ जाते हैं, जो छोटी कंपनीज है, उस पाल कर लेता हूँ, चले कि छोटी जो कंपनीज है जो आए दिन बंद हो जाती है और उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, उनको लिक्विडेट नहीं किया जा रहा, एक बंदे ने अगर छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटी थर्ड ईयर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया तो उसका क्या कसूर है? उसके पैसे तो स्टक अप हो गए, कुछ कंपनीज तो फ्रीज हुई हुई है, तो इस पे भी काम होना चाहिए। या अगर आप कंपनी नहीं चला सकते तो उसको वाइंड अप करें और इन्वेस्टर का पैसा दे दें, तो इसमें भी तो काम होना चाहिए ना सर, ये पैसा भी तो स्टक अप होगा। मैं जानना चाह रहा था कि जितनी ट्रू स्पिरिट के साथ कहा जाता था कि जनाब इंटीग्रेशन हुई और डीम्यूचुअलाइजेशन हुई और कॉर्पोरेटाइजेशन हुई स्टॉक एक्सचेंजेस की और नया एक्सचेंज बन गया और उसके बाद अब फॉरेन इन्वेस्टर भी आ जाएगा मार्केट में, हम इमर्जिंग इंडेक्स में भी आ गए फ्रंटियर से दोबारा, हमारे हाथ क्या आया? ये 10 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम, ये हमारे हाथ आया? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वॉल्यूम्स नहीं है। वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए देखिए इन्वेस्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल क्या है? रेडी के अलावा फ्यूचर और कोई प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये तो आप मान लेना कि प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी की जरूरत है। हम पहले भी याद है, आपको याद होगा, हम प्रोग्राम्स में डिस्कस करते थे कि प्रोडक्ट्स आएंगे, अभी तक प्रोडक्ट्स नहीं है। ऑप्शंस लेके आ जाए, ऑप्शंस में देखें लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या कैपेसिटी कंस्ट्रेन है मैनेजमेंट में जो लोग हैं, जो प्रोडक्ट डिजाइन करना है, जो लेके आना, अगर नहीं वो इस काबिल है तो भाई आप लोग बोर्ड के ऊपर बैठे हैं, स्टॉक मार्केट नहीं पनप पा रही, फारिग करें ऐसे लोगों को अगर जो काम नहीं कर पा रहे, जो डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखिए अब तो नई मैनेजमेंट आई है, ऑब्वियसली अब तो चीजें होंगी, डिलीवरेंस होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर आप लेके आए कैनेडियन सीईओ लेके आए तो कुछ ना कुछ करेंगे, प्लस डीएमडी भी आपका चाइनीज है,
तो अब आप देख लेंगे आने वाले दिनों में चीजें तो हो रही हैं और काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात जो हम भूल रहे हैं कि इन्वेस्टर का परसेप्शन सही हो जाए कि इन्वेस्टर जो मार्केट में पैसा लगा रहा है वो सिक्योर्ड हो जाए, वो समझे कि भाई मेरा पैसा लगा हुआ है सिक्योर्ड है और वो कहीं मतलब डिफॉल्ट्स नहीं होंगे, फ्रॉड्स नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा सबसे मतलब बड़ी चीज है। ये कह रहे हैं कि मार्केट में गेन लॉस प्रॉफिट लॉस इस ट्रेड का हिस्सा है, लेकिन लेकिन ट्रांसपेरेंट बिजनेस होना चाहिए, जो मैनेजमेंट के हवाले से या जो और फ्लॉज हैं उनमें लोगों का पैसा जो है ना फंसे, ना स्टक हो या उनके साथ फ्रॉड ना हो। ये चीज तो ये चीज अभी कितनी कवर कर पाए आप लोग? देखिए नई मैनेजमेंट अभी आई है, ऑब्वियसली जो नए सीईओ आए उनको तो अभी इसमें खाने में एक दो महीने ही हुए हैं, ऑब्वियसली सारी चीजें वो देख रहे हैं। नई मैनेजमेंट में आपका एक सीईओ नया आया ना, बाकी तो आपका सारा स्टाफ जो है वो पहले से मौजूद है। आप फ्रंटलाइन रेगुलेटर भी हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एपेक्स रेगुलेटर जो है वो एससीसीपी वहां पर बैठा हुआ है इस्लामाबाद में। तो क्या ये सिर्फ नए बंदे के आने से पूरी मार्केट टर्न अराउंड हो जाएगी? इसका मतलब जो पहले मैनेजमेंट थी, जो पहले के सीईओ थे वो कुछ नहीं कर पाए? वो लीडर लीडर भी तो चाहिए ना गाइड करने के लिए, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट है, लेकिन आपको जब अप्रूवल लेने होते तो सारी चीजें टॉप मैनेजमेंट ही दे रही होती है अप्रूवल। अगर बोर्ड के साथ भी अगर वो बैठे हुए तो अप्रूवल तो उनको ही देना पड़ता है, टॉप मैनेजमेंट को देना पड़ता है। प्लस इसमें एक चीज और आपके उसमें लेके आऊंगा कि इन्वेस्टर को थोड़े से और भी खदशात है कि जो डिविडेंड्स जो होते हैं, जो कंपनीज की तरफ से आजकल लेटर आ रहे हैं कि भाई आप अपने डिविडेंड्स ले लें, नहीं तो फिर स्टेट बैंक के पास जाके आपको लेने पड़ेंगे। तो ये एक इन्वेस्टर मेरे पास आया, उनकी कंप्लेन ये थी कि भाई हमारे अगर डिविडेंड्स कंपनीज के पास पड़े हुए हैं तो वो हमें डिस्पैच कर दें, कि हमें क्यों कहते हैं कि हम उनके पास जाके लें? हमारी अगर कोई लाइबिलिटी, अगर कोई हमारी अमानत पड़ी हुई है रजिस्ट्रार के पास तो वो शेयर होल्डर को डिस्पैच कर दें। तो ये भी एक इशू है। देखिए इन्वेस्टर को इस तरह से भी इश्यूज आते हैं, रजिस्ट्रार की तरफ से भी इश्यूज आते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देखिए ये अच्छा, सारी चीजें भी तो मसला है। आप इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि आप 1 जनवरी से देखें और टिल 15 फरवरी तक अगर देखें तो फॉरन इन्वेस्टर जो है वो नेट बायर है। लोकल्स तो आप लोग बेचने में लगे हुए, फॉरनर्स को आपकी मार्केट समझ में आ रही है कि जनाब लॉन्ग टर्म में कुछ हो सकता है। जो लोकल्स हैं म्यूचुअल फंड वो भी बेच रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? वैल्यूएशन फॉरेनर्स को क्यों नजर आ रही, लोकल इन्वेस्टर को क्यों नहीं नजर आ रही, म्यूचुअल फंड्स को क्यों नहीं नजर आ रही लॉन्ग टर्म में? देखिए म्यूचुअल फंड तो इसलिए बेच रहा होता है कि अकाउंट होल्डर अगर उसको रिडेम्पशन आएंगी तो उसको बेचना जरूरी है। अगर मैं अकाउंट होल्डर हूँ म्यूचुअल फंड का और मुझे अगर अपनी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए तो मैं उनको कहूंगा कि मेरी आप इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करें और मेरा मुझे पैसा दें। तो म्यूचुअल फंड तो बेचेगा ऑब्वियसली, उसका अपना पैसा तो है नहीं, है तो अकाउंट होल्डर का है। और फॉरन आप कह रहे हैं कि उनकी रिडेम्पशन कॉल्स है उनकी? जी रिडेम्पशन कॉल्स भी आती है। और प्लस देखिए नीचे लेवल पे अगर म्यूचुअल फंड ने भी कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी प्रॉफिट मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। अमीन यूसुफ स्टॉक ब्रोकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। में जब इंडेक्स था तो देखिए उस टाइम पे आपके इंडिकेटर्स क्या थे, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्रॉपर थे, आपका ग्रोथ रेट सही जा रहा था, आपका पावर के क्राइसिस जो इशू रिजॉल्व हो रहा था, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही थी। देखिए चाइनीज अगर इन्वेस्टर आया तो ऐसे तो नहीं आया, इससे पहले इन्वेस्टर क्यों नहीं आया, 5 साल अगर आप पीछे चले जाएं तो वो क्यों नहीं आया, वो देख रहे हैं। इकोनॉमी में सारी चीज़ें देखी जाती है, जब फॉरेन इन्फ्लोज आते हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, वो इकोनॉमी के नंबर्स देखते हैं और प्लस देखते हैं मार्केट में वॉल्यूम्स हैं कि नहीं है और मार्केट में लिक्विडिटी है कि नहीं है। लेकिन अभी जैसा हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो गए, लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट की पिक्चर देखें तो मार्केट में वॉल्यूम्स तो थे, तो इसी वजह से फॉरेन इन्फ्लोज आते हैं। तो अगर 53,000 का था उस लेवल पे सिनेरियो डिफरेंट था, अब सिनेरियो डिफरेंट है, अब डिफरेंट है और आगे जाके सिनेरियो क्या बनता है आज इसके ऊपर हम बात कर रहे थे और उम्मीद है कि आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी अमीन यूसुफ आप आएंगे और इन्हीं चीजों पे हम आपसे और सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, मजीद खबरों से और जारे के प्रोग्राम के हवाले से मजीद जो क्यूरीज हैं उनके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिल वक्त इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।